अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं एक न्यू रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है हमारे जो है पूरी होल क्लास की रिक्वेस्ट है एंड काफ़ी टाइम से वो जा रही है। बट मैं कह रही हूँ कि मैं टाइम निकालूंगी बट टाइम नहीं निकल रहा था। एंड अब जब उन्होंने बोला है कि हमारे एग्ज़ाम्स है, सो मैं इसको हरी अप जो है फास्ट एंड फास्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये वाली एक्सरसाइज वो अच्छे से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो है हमारा, हम लोग ने अगेन हमने बीच में कारवांस को छोड़ दिया था, कारवांस को बेचारे को अकेला छोड़ दिया था। अगेन हम कारवांस लेंगे मैथमेटिकल टेक्निक फॉर बीए बीएससी एंड बीएस ऑफ कोर्स। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 7.1 एक्सरसाइज, जिसको मैंने बीच में स्किप किया था बिकॉज आगे की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, उनके भी एग्जाम्स थे। अब देखेंगे एग्जाम्स की वजह से जो है मैं बीच में अटक जाती हूँ। जब कोई स्टूडेंट बोलता है एग्जाम है, देन वो जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है नाजुक पॉइंट होता है, मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है फिर। और बीच में फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, इससे मैंने स्किप कर दी। अगेन अब इसके एग्जाम्स स्टूडेंट्स के, तो मैं फिर से इसको जो है कैरी ऑन करूँगी, रिज्यूम करेंगे इस एक्सरसाइज को। एंड 7.8 है हमारे पास रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो सबसे पहले इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन अपने पास रख ले। मैं इसको ज़रा शॉर्ट स्क्रीन के लिए छोड़ती हूँ इनके पेजेस को, ठीक है, ताकि उनके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन रहे। तो अगर मैं कुछ यहाँ पर जो है जो एग्जांपल्स वगैरह जो भी मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट जो है इंग्लिश में मैं नहीं लिख रही, थ्योरी नहीं लिख रही, तो आप वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर जो है हम लोग ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7.8। यहाँ पर अब देखिए हमने एग्जैक्ट इक्वेशन कर ली, एग्जैक्ट इक्वेशन हमें पता चली है कि हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशन। बट अभी का हमारे पास न्यू पॉइंट आ जाते हैं कि अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट ना हो तो फिर क्या करेंगे। अब जब वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम कुछ केसेस हैं जो हम लोग सबसे पहले रीड आउट करेंगे, केसेस को समझेंगे कि वो केस ऐसा क्यों है, ठीक है, उसको इससे कैसे उसको सॉल्व करेंगे एंड देन उस केसेस को अप्लाई करेंगे हमारी एक्सरसाइज पर। सो लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में जल्दी से जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है एंड ऑफ कोर्स साथ में आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल, अब मैं वो हाफ ही लिखूंगी, टू एग्जैक्ट इक्वेशन या फॉर्म लिख देंगे FROM, ठीक है, FORM। फॉर्म की स्पेलिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, FORM, ठीक है, चलिए लेट इट बी, स्पेलिंग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनको हम रिड्यूस करेंगे इन एग्जैक्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई जो है हमारी इक्वेशन जो है अगर वो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y equal to partial n by partial of x, अगर इसको वो जो है नहीं पूरी कर रही, यानी exact equation नहीं है, not exact equation, तो अगर ये exact equation नहीं है तो भाई हम क्या करेंगे, हम कुछ cases apply करेंगे। तो मैं जो है 3 से 4 cases हैं सबसे पहले वो discuss करूँगी इस video में, then हम लोग जो है वो cases apply करेंगे हमारी the great exercise पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझ जाना चाहिए कि जब differential equation को reducible form करना चाहिए उसको exact form में, तो वो क्यों, क्योंकि वो exact नहीं है, जो चीज़ exact नहीं है उसको हमने reduce करना है exact form में, so then हमारा काम जो है वो complete हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला केस है हमारा the most important case 1 case 2 के तौर पे चलेंगे, केस है तो रेड, ठीक है, वैसे भी केस जो होते हैं बड़ा ख़तरनाक होता है। तो केस वन है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है हमारा जो फॉर्म है इक्वेशन का वो एग्जैक्ट ना हो, और जो है इक्वेशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है उस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा केस यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाता है कि इफ अगर एन ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई बाय एम हो इक्वल टू क्यू ऑफ वाई के, देन हम यूज़ करेंगे, देन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे, कौन सा, ई विद इन इंटीग्रल क्यू ऑफ वाई विद डी ऑफ वाई। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म का जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होता है। अगर आप एक बार ये चीज़ को याद कर लें, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने बना देना है एक टेबल। जब टेबल आप बना लेंगे, हैशटैग टेबल कोई भी हो सकता है,
तो अगर आप टेबल बना लेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भाई मेरे पास ये कैसे आएगा, तो मैं ये वाला जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, हमने करना है सारों को सबसे पहले इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है कि क्या इक्वेशन इसको जो है सेटिस्फाई करती है, अगर करती है देन वी विल यूज़ दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास केस वन, बहुत ही सिंपल। नाउ चलते हैं केस टू की तरफ, देखते हैं केस टू में हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग केस टू की बात करें तो वो है हमारे पास अगर इफ एम ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स बाय एन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, देन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास ई P of x with d of x। अब अगर आप दोनों में देखें, दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ पे नीचे m था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर n था, ठीक है, n m, ठीक है, ऐसा फॉर्म n m होगा तो हम केस वन यूज़ करेंगे, m n होगा तो हम लोग केस टू यूज़ करेंगे, यानी ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारे पास x के रिस्पेक्ट से है, और अगर केस वन में देखा जाए तो वो y के रिस्पेक्ट से था, ठीक है। दोनों को टैली करेंगे अपना, जब दोनों को टैली करेंगे तो आपके जो है जहन में इसका जो है जो उसे बोलते हैं ना ट्रेसिंग पॉइंट बन जाएगा। जब ट्रेसिंग पॉइंट बन जाएगा तो कोई भी आपके पास इक्वेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाली तो ये वाला केस था, मैं ये वाला केस अप्लाई करूँगा तो ये काम जो है मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। सो इसी तरह से आपने ट्रेसिंग पॉइंट रखना है, उस हर क्या था, उधर था एन एम, इधर क्या है केस टू में एम एन, तो दोनों फैक्टर्स को ध्यान में देखिएगा, ठीक है। अगर ये वाला आपको नेगेटिव शुरू में दिया और ये वाला पॉजिटिव दिया तो आपने चेंज कर देना है, फिर आपने देखना है कि सिचुएशन कौन सी बन रही है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं, ये वाला जो है यहाँ पर देते हैं विद माइनस और ये वाला इधर एम जो है पॉजिटिव में देते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये तो कोई भी जो है केस से मिलता जुलता नहीं है, तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको सेटल डाउन करना होगा, ठीक है। सो चलिए इसी के साथ ये तो केस टू हो गया हमारा, नाउ चलते हैं केस थ्री की तरफ। अगर केस थ्री को देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को केस थ्री जो होता है वो मुश्किल लगता है, बट इट्स नॉट दैट मच हार्ड। लेट्स सी, केस थ्री है हमारे पास होमोजीनियस का केस, ठीक है। तो केस थ्री में हमें बोलते हैं कि अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हो, ठीक है, और वो क्या है, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हो और वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास हो होमोजीनियस, अगर ये हमारे पास होमोजीनियस हो और जो है ये क्या हो एक्स एम प्लस वाई एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो हमारे पास इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वन बाय एक्स एम प्लस वाई एन। अब ये वाली जो चीज़ें हैं आपको ऐसा लग रहा होगा ओ माई गॉड ये क्या लिख रही है मैम, बट दिस इज़ नॉट कि मैं ऐसे कुछ लिख रही हूँ, जब हम इसे अप्लाई करेंगे देन आपको रियलाइज होगा कि हाउ टू यूज़ दीज केसेस, ठीक है। तो अभी से बिल्कुल घबराना नहीं है, लाइक इमरान खान घबराना नहीं है आपने, हम क्या करेंगे जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई में ज़्यादा समझ आता है, एज अ केस अगर हम इसको शक्ल में देखेंगे ये बड़े खौफनाक दिखते हैं, ठीक है। तो ये तो केस थ्री हो गया, इसकी आपने लिस्ट बना देनी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला केस, मैं केस का नाम लूँगी, तो आपने केस के नाम से ही पहचान लेना है कि मैं कौन से केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास केस नंबर फोर। केस नंबर फोर में भी सेम सिचुएशन है हमारे पास, कहते हैं कि अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगा, नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन हो हमारे पास, जो कि होता है हमारे पास क्या, जो कि होता है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास अगर फॉर्म इक्वेशन की, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन, अगर उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो f of x y d of x plus x g x of y with d of y equal to zero, तो हम यूज़ करेंगे क्या, तो हम यूज़ करेंगे हमारा द ग्रेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है हमारे पास वन बाय एक्स एम माइनस वाई ऑफ एन, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप देखें तो केस थ्री और केस फोर में ये फ़र्क है कि हमारे पास बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। केस थ्री में क्या था, पॉजिटिव साइन था, केस फोर में क्या है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को ध्यान में देखिएगा, ठीक है।
सो इसी के साथ हमारे पास जो है चारों के चारों केसेस आ चुके हैं। होप कि सबने इसका टेबल बना लिया होगा और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को, ताकि जो वीडियोज़ हैं क्लैश ना हो आपस में। जिनको अगर सिर्फ केसेस देखने हैं तो वो सिर्फ केसेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड, अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा एंड मुहर्रम जो है बहुत ही ज़्यादा मोहतरम, मैं कह रही थी मोहरम मुँह से निकल गया, मोहतरम महीना रमज़ानुल मुबारक रहमत और बरकतों वाला महीना चल रहा है। तो बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपनी कामयाबी के लिए भी और मेरी कामयाबी के लिए भी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।